की जा सकती है, नवाब उसकी इजाजत देता है। और हम चाहें कि साहब हम ही 10-10 मिनट बोलते रहे, फिर बुलाते रहे तो वक्त खराब हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बात दी गई, पहला किसी तमहीन और तारीफ और तखीर के बगैर आवाज़ दी जाए और लोग आए अपनी माफी जमीन की पेश करें, उलमा आए अपनी नसीहतें सुनाएं। माशाल्लाह मजलिस जम चुकी है, कोई भी साहब बाहर रहने की कोशिश न करें, सब सीधा अंदर आए। रहमत वाली मजलिस है, बरकत वाली मजलिस है, उलमा की मजलिस अल्लाह उसके रसूल की नस्बत की मजलिस है और ये मदरसे की नस्बत की मजलिस है। अफजल है, आला है, बेहतर है, बरकत वाली है। इस मजलिस की बरकतें हमारे दामन से न निकल जाए, इसलिए मजलिस में आए और बैठे, चैन से सुकून से उलमा की जियारत भी करें, नसीहत भी सुने और नाते पाक से अपने कल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला करें। शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान हाफिज कमरू इस्लाम साहब को दावत सुखन दी जाती है कि जनाब माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी प्यारी आवाज से और प्यारी नाक से सामाईन के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला करें। कमरू इस्लाम कमर मर आपके समाज के हवाले। सदरे बाबाकार, बाबाकार उलमाए कराम, मुअज्जज़ व मुअक्कर हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, मैसी जामिया कासिमुल उलूम का एक अदना सा अपनाए कदीम तालिबे इल्म रहा और अभी भी तालिबे इल्म हूँ, ये मेरे उस्ताद मोहतरम की मोहब्बत, उनकी शफ़क़त जो आज इस आवाज़ से मुझे बुलाया जाता है, उन्हीं की दुआओं का सदका है और तमाम उलमाए कराम की दुआओं का समरा है। आइए दोस्तों, अब मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के अपने शेरी सफ़र का आगाज़ एक कता से शुरू करता हूँ। रिपीट जरा करता हूँ, एक बार पूरा मजमा जी लगा कर दुरूद पाक कह दिया के शेर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद व बादी सल्लम। हे हमारे वास्ते बख्शीश मची है
नाजिम जलसा का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए दोस्तों एक मतला चंद शेर समाप्त कर ले कि
سبحان اللہ سبحان اللہ